Good morning, students. Today we will learn lesson 19, weather and seasons. Okay, weather and seasons मतलब जो मौसम होते हैं, ठीक है? जैसे अभी ठंड चल रही है, ठीक है? फिर गर्मी आएगी, फिर बारिश का मौसम आएगा, ठीक है? और कभी कभी क्या होता है ठंड में, ठीक है? ठंड में भी कभी कभी डे कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट रहता है, मतलब खूब धूप निकली होती है, ठीक है? और कभी कभी क्या होता है जो डे है वो क्लाउडी होता है, मतलब बादल होते हैं, ठीक है? तो इस तरह से इन्हीं सब चीज़ों को हम देखेंगे और ये भी देखेंगे कि एक्चुअल में वेदर और सीज़न में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. वी ऑफन हियर पीपल टॉकिंग अबाउट वेदर एंड सीजन. आप लोगों ने भी अपने घर में, ठीक है, बात करते हुए सुना होगा अपने मम्मी पापा को वेदर और सीज़न के बारे में. दिस इज़ बिकॉज मैनी ऑफ आवर एक्टिविटीज़ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज चेंजेस ऑफ नेचर, ठीक है? और इस बारे में क्यों बात करते हैं सब, क्योंकि हमारी, ठीक है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो वेदर और सीज़न पे डिपेंड करती है, ठीक है? जैसे आवर फूड हैबिट्स, क्लोथ्स एंड अदर एक्टिविटीज़ आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सीजन, ठीक है? जैसे हमारे खाने पीने की आदत, ठीक है, कपड़े पहनना और भी दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, वो सब सीज़न पे डिपेंड करती है और सीज़न चेंज होने से इनमें भी चेंजेस होते हैं, ठीक है? जैसे ठंड के दिनों में क्या होता है, मौसम बहुत ठंडा होता है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं ना, स्वेटर जैकेट ये सब. और गर्मी में क्या होता है, गर्मी में गर्मी लगती है तो हम पतले हल्के कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े, ठीक है? उसी तरह बारिश में हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो जल्दी से सूख जाए, ठीक है, रेनकोट पहनते हैं, ठीक है? तो ये सब क्या है, सीज़न बाय सीज़न हम उसके अकॉर्डिंग ही पहनते हैं ना. ऐसा तो नहीं है कि गर्मी में हम रेनकोट पहनेंगे या ठंड में हम पतले पतले कपड़े पहनेंगे या गर्मी में हम जैकेट स्वेटर पहनेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना. अकॉर्डिंग टू सीज़न हम कपड़े भी पहनते हैं. उसी तरह से हमारी फूड हैबिट भी चेंज होती है. मतलब गर्मी के दिनों में हम आइसक्रीम खाते हैं, ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, है ना, शरबत पीते हैं. और गर्मी के दिनों में, ठंड के दिनों में क्या, हम गरम गरम सूप पीते हैं, गरम चाय, गरम कॉफ़ी, काढ़ा ये सब पीते हैं ना. तो खाने पीने की हैबिट भी सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, ठीक है? तो इस तरह से सीज़न का या वेदर का हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? नाउ वेदर अराउंड अस, ठीक है, अब हमारे आसपास का वेदर कैसा है, क्या है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं. वेदर इज़ द स्टेट ऑफ एटमोसफियर एट अ पर्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? वेदर क्या होता है, वेदर, ठीक है, किसी भी जगह का, ठीक है, जो एटमोसफियर होता है, ठीक है, थोड़े समय के लिए, ठीक है, वेदर किसी भी जगह में अगर हम बात करें कहीं की, तो थोड़े समय के लिए जो एटमोसफियर होगा, ठीक है, उसको हम वेदर बोलते हैं. जैसे एटमोसफियर क्या हो सकता है, वार्म यानी गर्म हो सकता है, ह्यूमिड हो सकता है यानी चिपचिपा सा, कोल्ड यानी ठंडा, रेनी यानी बारिश वाला, विंडी यानी खूब हवा चलने वाला, ठीक है, काम यानी जब हवा नहीं चलती, शान शान सा मौसम होता है, क्लाउडी यानी जब बादल होते हैं, और सनी यानी जब खूब तेज़ धूप निकली होती है, ठीक है? तो वेदर क्या होता है, वेदर किसी भी जगह, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए जो स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर होता है, स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब जिस तरह का एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, उसको हम वेदर बोलते हैं. द वेदर ऑफ अ प्लेस डज नॉट रिमेन सेम ऑल द टाइम, ठीक है? और याद रखना कि किसी भी जगह का वेदर कभी भी हमेशा एक जैसा नहीं होता, ठीक है? इट कैन चेंज विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये हमेशा थोड़े दिन के बाद में चेंज हो जाता है. इट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, ठीक है? और कभी कभी ऐसा होता है कि हर दिन बदलता है. समटाइम्स वेदर कैन चेंज मैनी टाइम्स ऑन द सेम डे, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन में भी वेदर बहुत बार बदल जाता है. जैसे सुबह एकदम खूब तेज़ धूप निकली होगी, ठीक है, तो दोपहर तक खूब क्लाउडी हो जाएगा वेदर, ठीक है, फिर शाम को खूब तेज़ हवा चलने लगेगी और रात में बारिश होने लगेगी, ठीक है? या कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह खूब बादल होगा, ठीक है, क्लाउडी होगा वेदर, फिर दोपहर आते आते खूब तेज़ धूप हो जाती है, ठीक है, ऐसा होता है ना, ठीक है? तो वेदर दिन में कई बार भी चेंज हो जाता है, ठीक है? इट में चेंज फ्रॉम क्लाउडी टू सनी और फ्रॉम काम टू विंडी इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है? मतलब
वही जैसा मैंने बोला कि अगर सुबह बारिश क्लाउडी है, ठीक है, आप घूमने निकले, चलो आज मौसम अच्छा है, धूप नहीं है करके, और फिर अचानक से धूप हो गई, ठीक है, या आपने कपड़े सुखाए हैं कि कपड़े सूख जाएंगे और अचानक से हवा चलनी बंद हो गई, ठीक है, मतलब विंडी वेदर था और अचानक से काम हो गया, ठीक है, तो ये सब वेदर चेंज होते हैं दिन भर में, ठीक है। नाउ चेंजेस इन वेदर, अब चेंज क्यों होते हैं, वेदर चेंजेस ड्यू टू चेंज इन हीट विंड एंड मॉइस्चर, ठीक है। वेदर क्यों चेंज होते हैं, क्योंकि किस में चेंजेस आते हैं, हीट में, विंड में और मॉइस्चर में, ठीक है। वेदर इंक्लूड्स टेम्परेचर, एयर प्रेशर, प्रेसिपिटेशन एंड क्लाउड कवर, ठीक है। अब वेदर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले आता है टेम्परेचर, दूसरा आता है एयर प्रेशर, तीसरा आता है प्रेसिपिटेशन और चौथा आता है क्लाउड कवर, ठीक है। मतलब वेदर चेंज हो रहा है हम बोलेंगे तो किन किन वजह किन किन चीज़ों में चेंज आएगा, टेम्परेचर में चेंज आएगा, एयर प्रेशर में चेंज आएगा, ठीक है, क्लाउड कवर में चेंजेस आते हैं। द हीट ऑफ द सन कॉजेज चेंजेस इन टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर में चेंज कैसे होगा, हमको सबको पता है कि हमको हीट किससे मिलती है, सन से मिलती है, ठीक है। तो जो सन की हीट है, ठीक है, उसके कारण ही टेम्परेचर में चेंज होता है। दिस ब्रिंग्स चेंजेस इन मूवमेंट ऑफ एयर, और जब टेम्परेचर चेंज होता है तो इससे जो हवा की मूवमेंट है वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है। द अनइवन हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ वेरियस प्लेसेस ऑन द प्लैनेट कॉजेस विंड, ठीक है। तो हवा कहीं पे ठंडी होती है और कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण ये अनइवन हो जाती है। अनइवन मतलब सब एयर का टेम्परेचर हर जगह एक जैसा नहीं होता, कहीं ज़्यादा ठंडी एयर होती है, कहीं ज़्यादा गर्म एयर होती है, तो इसी ठंडे गर्म के कारण से हवा बहने लगती है, जिसको हम क्या कहते हैं, विंड, ठीक है। विंड यानी बहती हवा, फ्लोइंग एयर, ठीक है। क्लाउड्स आर पुश्ड बाय विंड्स एंड दे ब्रिंग मॉइस्चर दैट टर्न्स इनटू रेन और स्नो, ठीक है। तो जब हवा बहने लगती है, हवा चलती है, तो हवा क्या करती है, जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड को भी पुश करती है, ठीक है, मतलब क्लाउड को भी अपने साथ उड़ाती है, ठीक है। एंड दे ब्रिंग मॉइस्चर दैट टर्न्स इनटू रेन और स्नो, ठीक है। और उसके साथ ही साथ और क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है, ठीक है, वो भी बादल में मिल जाता है, ठीक है, और इसी वजह से फिर रेन और स्नो होती है, मतलब बर्फ गिरती है और बारिश होती है, ठीक है। नाउ सीजन्स इन ईयर, इन अ ईयर, ठीक है। अब सीजन की बात कर लेते हैं, देयर आर 5 मेन सीजन्स, ठीक है। साल में 5 मेन टाइप के सीजन आते हैं, कौन कौन से, दीज आर समर, मॉनसून, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम, ठीक है। कौन कौन से 5 सीजन हैं, समर, मॉनसून, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम, ठीक है। समर मतलब गर्मी, मॉनसून मतलब बारिश, विंटर यानी ठंड, स्प्रिंग मतलब बोलते हैं जिसको बसंत, है ना, जो अभी बसंत पंचमी हम मनाएंगे, तो अभी जो सीज़न चल रहा है वो कौन सा है, स्प्रिंग सीज़न चल रहा है। और एक आता है ऑटम, ऑटम मतलब जो पतझड़ का मौसम रहता है, जिसमें पत्ते गिरने लगते हैं, ठीक है। और स्प्रिंग सीज़न में क्या होता है कि सब कुछ हरा भरा हो जाता है, ठीक है, नए नए फूल खिलते हैं, नई पत्तियाँ आती हैं, ठीक है। नाउ दी सीजन्स कम वन आफ्टर अनदर इन अ ईयर, और ये जो सीज़न है वो एक के बाद एक हर साल आते हैं, ठीक है। हर साल मतलब एक के बाद एक ये सीज़न आते हैं, जैसे अभी ठंड चल रही है, ठंड जाएगी तो फिर ठंड चली गई समझो, अब स्प्रिंग आ गया, स्प्रिंग सीज़न के बाद में समर सीज़न आएगा, समर सीज़न के बाद में मानसून सीज़न आता है, ठीक है। मानसून और विंटर के बीच में आता है आपका ऑटम सीज़न, उसके बाद आएगा आपका विंटर सीज़न, ठीक है। इन दिस वे सीजन्स ऑकर इन अ साइकिल इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। और इस तरह से सीज़न का साइकिल चलता है, ठीक है, एक साल में इतने 5 सीजन्स आते ही आते हैं, अ सीज़न लास्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स ओनली, ठीक है। और ये जो सीज़न है वो कुछ महीनों के लिए ही रहता है, ठीक है, हमेशा तो नहीं रहता। जैसे ठंड कब चालू होती, नवंबर दिसंबर से ठंड लगनी चालू होती, और जो फेब लास्ट तक या मार्च आते आते पूरी ख़त्म हो जाती है, फिर हम कूलर चलाने लगते हैं, ठीक है। उसी तरह मार्च से फिर ठंड गर्मी शुरू हो जाती है, जो रहती है कब तक,
जुलाई अगस्त तक रहती है, फिर बारिश का मौसम आ जाता है, फिर बारिश का मौसम रहता है अगस्त से अक्टूबर तक, है ना। तो इस तरह सीज़न चेंज होते रहते हैं कुछ कुछ महीनों में। अब सबसे पहले देखते हैं समर सीज़न, ठीक है। समर इज़ द हॉटेस्ट सीज़न ऑफ द ईयर, ठीक है। जो समर सीज़न है वो सबसे ज़्यादा गर्म रहता है ना। समर सीज़न में कितनी गर्मी लगती है, क्यों गर्मी लगती है, क्योंकि जो द सन शाइन्स ब्राइटली, ठीक है। इस समय जो सन है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, मतलब सन की जो धूप मिलती है हमको, है ना, सनलाइट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है इस समय। दिस सीज़न ब्रिंग्स इन इंडिया बाय द एंड ऑफ मार्च एंड लास्ट टिल द बिगिनिंग ऑफ जुलाई, ठीक है। तो समर सीज़न इंडिया में कब चालू होता है, मार्च के एंड में चालू होता है और जुलाई के बिगिनिंग तक रहता है, मतलब शुरुआती जुलाई तक रहता है, ठीक है। द डेज़ आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट, और गर्मी के सीज़न में क्या आता है, दिन बहुत बड़े होते हैं और रातें छोटी होती है ना। मतलब देखोगे आप कि 6 बजे से एकदम तेज़ धूप हो जाती है ना, और रातें बहुत छोटी होती है, मतलब 7:30 बजे तक शाम को भी दिन रहता है ना, और रातें छोटी होती है। ड्यूरिंग समर सीज़न पीपल वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स, ठीक है। समर सीज़न में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, हल्के और कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। दिस क्लोथ्स अब्सॉर्ब स्वेट एंड कीप्स द बॉडी कूल। अब क्यों कॉटन के कपड़े पहनते हैं, देखो वैसे ही तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, हमको ठंडक चाहिए, हमारी बॉडी को क्या चाहिए होती है, ठंड चाहिए होती है ना। तो कॉटन के कपड़े क्या करते हैं, और हमको बहुत ज़्यादा स्वेट होता है, नहीं पसीना निकलता है ना, तो ये कॉटन के कपड़े क्या करते हैं, जो स्वेट होता है उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, ठीक है, और उससे हमको गर्मी कम लगती है और हमारी बॉडी कूल रहती है। पीपल ड्रिंक कोल्ड वाटर जूस एंड ईट आइसक्रीम कर्ड एंड फ्रूट्स, ठीक है। और हमारी बॉडी को ठंडा रखने के लिए हम और क्या करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी, मटके का पानी, ठीक है, ठंडे ठंडे जूस पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, दही खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है। मैंगो इज़ द मेन फ्रूट ऑफ द समर सीज़न, ठीक है। तो समर सीज़न का सबसे मेन फ्रूट कौन सा है, मैंगो, ठीक है। एनिमल्स रेस्ट इन शेडी प्लेसेस अवे फ्रॉम द डायरेक्ट हीट ऑफ द सन, ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं, हम तो चलो घर में रहते हैं कूलर ऑन करके, एसी ऑन करके, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनका तो कोई घर नहीं होता, ठीक है, तो वो कहाँ रहते हैं, धूप से बचने के लिए भी वो भी ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे छाया होती, ठीक है, तो शेड में रहते हैं वो लोग भी, जहाँ पे छाया होती है वैसी जगह में रहते हैं, ठीक है। द वर्ड मानसून कम्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम मीनिंग सीजनल विंड्स, ठीक है। अब देखो मानसून का मतलब क्या है, मानसून वर्ड सबसे पहले कहाँ से आया, ये एक अरेबिक वर्ड है, मौसम से आया, ठीक है, जिसका क्या मतलब होता है, सीजनल विंड, ठीक है। अब हम मानसून सीजन देखेंगे, मानसून इज़ अ रेनी सीजन, ठीक है, रेनी सीजन को ही हम मानसून बोलते हैं। द सीज़न बिगन्स इन इंडिया फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई, और इंडिया में ये कहाँ से शुरू होता है, जुलाई में शुरू हो जाता है। When winds begin to blow from the sea towards the land, these are called monsoon wind, ठीक है। तो देखो मानसून में क्या होता है कि जब हवा, ठीक है, सी से लैंड की तरफ चलती है, हम जानते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो तीन साइड से सी, तीनों साइड उसके क्या है, सी है ना। तो क्या होता है कि जब गर्मी चली जाती है, ठीक है, और जब बारिश का मौसम आता है, तो बारिश के मौसम में क्या होता है कि हवा, ठीक है, जो हवा चलती है उसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है, सी से लैंड की तरफ हो जाती है, ठीक है, और इसी विंड को हम क्या कहते हैं, मॉनसून विंड कहते हैं, ठीक है। दिस ब्रिंग्स रेन टू मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और इन्हीं मॉनसून विंड्स के कारण ही हमारी कंट्री के मोस्ट बहुत से हिस्सों में क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है। द रेनी सीजन मेक्स द सराउंडिंग ग्रीन एज मेनी ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो इन द सीज़न, ठीक है। तो रेनी सीजन में हमारा जो सराउंडिंग होता है, ठीक है, आसपास बहुत ज़्यादा हरियाली हो जाती है, ठीक है। सावन के महीने में क्या होता है, सब जगह ग्रीनरी होती है ना, फेस्टिवल भी मनाते हैं सावन महीने में, तो ये सावन महीना कब आता है, जुलाई में, है ना। तो बहुत सारी ग्रीनरी दिखती है हमको जुलाई मंथ में, है ना, क्यों, क्योंकि बारिश के वजह से जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, नए नए पेड़ पौधे ग्रो करते हैं, ठीक है, इसलिए सब जगह हमको ग्रीनरी दिखती है
समटाइम्स आफ्टर रेनफॉल वी मे सी अ रेनबो इन द स्काई, कभी कभी तो हमको रेनबो भी देखने को मिलता है ना। रेन वाटर ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम द एक्सट्रीम हीट ऑफ द सन, ठीक है। और देखो एक तो गर्मी इतनी हुई रहती है, गर्मी के सीज़न में इतनी गर्मी रहती है, ठीक है, तो जब बारिश होती है तो बारिश क्या करती है कि थोड़ी सी गर्मी को कम कर देती है, ठीक है। द फार्मर ईगरली वेट्स फॉर द रेन, कि जो किसान होते हैं वो बारिश का बहुत उत्सुकता से इंतज़ार करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि क्यों इंतज़ार करते हैं, दे सो डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स इन दिस सीज़न, क्या, क्योंकि वो अलग अलग क्रॉप्स की फसल की खेती करते हैं, ठीक है। टू मच रेन हाउएवर कॉजेज फ्लड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पानी गिरता है तो कहीं कहीं पे बाढ़ भी आ जाती है, ठीक है, फ्लड यानी बाढ़ होता है। नाउ विंटर सीजन, विंटर स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ नवंबर एंड एंड्स इन फेब्रवरी, ठीक है। अब जो ठंड का मौसम है वो कब चालू होता है, नवंबर के एंड में चालू होता है और कब तक रहता है, फरवरी के एंड तक रहता है, ठीक है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ, तो दो महीने कौन कौन से, दिसंबर एंड जनवरी, इन दो महीनों में सबसे ज़्यादा ठंड रहती है। द डेज बिकम शॉर्टर एंड नाइट्स लॉन्गर, ठीक है, जैसे गर्मी में क्या होता है दिन बड़े और रातें छोटी होती है, तो ठंड में क्या होता है रातें बड़ी हो जाती है और दिन छोटे हो जाते हैं। इन सम प्लेसेस लाइक शिमला एंड श्रीनगर देर इज़ हैवी रेन स्नोफॉल इन विंटर, ठीक है, और कहीं कहीं तो स्नोफॉल यानी बर्फबारी भी होती है, कहाँ कहाँ पे, शिमला और श्रीनगर में, ठीक है। अब स्नोफॉल कैसे क्यों होता है, देखो बारिश, स्नोफॉल नहीं होता बेसिकली, ये बारिश ही होती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमको पता है हिली एरिया से कौन कौन से, शिमला श्रीनगर, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बारिश होती है तो ये बारिश का पानी नीचे आते आते क्या होता है, ठंड के कारण जम जाता है और ये स्नो के फॉर्म में गिरता है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, स्नोफॉल, ठीक है। स्नो फ्लेक्स फॉलिंग एट 2 to 4 माइल्स पर आवर कैन टेक अप टू 1 आवर टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। अब ये जो स्नो फ्लेक्स होते हैं, यानी स्नो फ्लेक्स यानी बर्फ के टुकड़े जो गिरते हैं, ठीक है, वो लगभग 1 घंटा ज़मीन तक आने में ले लेते हैं, ठीक है, अगर वो 2 से 4 माइल पर आवर की स्पीड से चले तो, ठीक है। नाउ